मॉर्निंग क्लास विद स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण के पाठ चार शब्द भंडार का अध्ययन करेंगे, जिसमें अनेक शब्द जो हम पढ़ते हैं हिंदी भाषा में वह सभी आते हैं, जैसे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांश क्या होता है, अनेकार्थी शब्द क्या होता है, तो इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आज हम हिंदी के पाठ चार शब्द भंडार में इन्हीं का अभ्यास करेंगे। पहला आता है, देखो, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे हाथी का पर्यायवाची क्या है? गज, कुंजर, मतंग, हस्ती, वितुंड, दंती। इतने सारे जो अर्थ हैं वह सभी किसके हैं? हाथी के। तो हाथी को हम गज, कुंजर, इतने सारे शब्दों से बोल सकते हैं। तो ये समानार्थी शब्द हैं और पर्यायवाची शब्द भी कहलाते हैं। दूसरा शब्द आता है विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होते हैं? अपोजिट, एक दूसरे का विपरीत अथवा उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द युग्म विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे कोमल, कठोर, अनुकूल, प्रतिकूल, अमीर, गरीब, स्वच्छ, अस्वच्छ, आस्था, अनास्था, उदार, अनुदार। तो ये सब क्या है? एक दूसरे के उल्टे शब्द हैं, इसलिए इनको हम विलोम शब्द कहते हैं। तीसरा आपके में आता है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द में आता है कि देखिए, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, कुछ शब्द अलग अलग अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे पत्र और पत्र, एक पत्र जो होता है उसका मतलब होता है लेटर बॉक्स, लेटर, पत्र जो आपके घर आता है, किसी के द्वारा भेजा हुआ या आप भेजते हो किसी को लिखित रूप में, उसको हम कहते हैं पत्र। अब ये पत्र, पत्र मीन्स पत्ता, पेड़ का पत्ता, उसको भी पत्र कहते हैं हिंदी में। घट, घट मीन्स हृदय, और घट घट मीन्स घड़ा। तो ये शब्द दोनों हैं एक जैसे, पर इनके अर्थ भिन्न भिन्न भी होते हैं। जिन शब्दों में के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अब आपको मैं बताती हूँ, उत्तर, जो आप डेली जीवन की भाषा में अपने रूटीन में इसको प्रयोग करते हो शब्द को उत्तर। उत्तर का मतलब देखो, उत्तर दिशा भी होती है एक, और उस उत्तर का मतलब जवाब भी होता है, और उत्तर में बाद का। ऐसे ही एक शब्द है देखो, अर्थ, धन, अर्थ का मतलब धन भी होता है, मतलब भी होता है, और कारण। काल, काल का मतलब समय, मृत्यु। तो मैंने आपको कुछ शब्द ही दिखाए हैं, ये आपको समझ में आ गए होंगे कि इनका प्रयोग अलग अलग जगह पर हम कर सकते हैं। कनक, सोना, धतूरा, गेहूं, पलाश। अब आते हैं श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द, जो सुनने में एक जैसे होते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो अनेकार्थी शब्द और सूत्र सम भिन्नार्थक शब्द में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अनेकार्थी शब्द, इसमें एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द एक जैसे सुनने में होते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे कोश, शब्द संग्रह, कोश, खजाना। लिखने में भी देखो भिन्नता है, और उनके बोलने में एक जैसे हैं बस। ये मैं, अंदर, और मैं एक सर्वनाम अपने लिए जो हम यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। ऐसे ही द्रव, तरल पदार्थ, द्रव्य, धन। तो जो शब्द सुनने में समान लगते हैं पर उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ग्रह, नक्षत्र, ग्रह, घर, नीर, पानी, नीड़, घोंसला। अब आते हैं आपके वाक्यांश, जो कि हम कई सारे एक वाक्य के लिए हम प्रयोग करते हैं वाक्यांश, एक शब्द का जिसे क्षमा ना किया जा सके, अक्षम्य। तो इतने सारे शब्दों के लिए हमने, एक वाक्य के लिए हमने एक शब्द का प्रयोग किया, इसलिए हम इसको हम कहते हैं वाक्यांश। तो ये जो है पाठ का सारांश मैंने आपको बताया। समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्द पर्यायवाची, एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द युग्म विलोम शब्द, जिन शब्दों के एक से अधिक अलग अलग अर्थ होते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। दो अलग अलग शब्द जो सुनने में समान लगे परंतु उनकी वर्तनी और अर्थ में भिन्नता हो, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। भाषा को संक्षिप्त, सुंदर और प्रभावशाली बनाने के लिए हम अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं,
वो होता है हमारा वाक्यांश। तो ये पाठ का सारांश मैंने जो आपको भी बताया है, पढ़ाया है, उसको आप दोबारा पढ़िए और सुनिए, तो आपको इसका अभ्यास कार्य बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा।